I am told in adjoining areas of NCR of Delhi, say Noida, Ghaziabad, Gurgaon, Faridabad, there is no garbage dump. As a matter of fact, we are against garbage dumps. We want zero emission as far as solid wastes are concerned. Every item must be recycled. It is not being done. You know how much land is needed for Delhi to create these dumps? Delhi needs 600 acres of land. Imagine the value of 600 acres of land for this garbage only. And what will be the value of land in adjoining areas? No dump in Ghaziabad, no dump in Noida, no dump in Gurgaon, no dump in Faridabad. And I am all for it. There should be no dump because everything is recyclable. हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम रखा है वो इसलिए रखा है कि किसी भी मीटिंग की सार्थकता इस चीज में होती है कि जब आप किसी मीटिंग में आए तो आप अपनी कितनी नॉलेज लेकर आए थे और जब किसी बड़े अच्छे स्पीकर को सुन ले तो आपके नॉलेज में कितना गेन हुआ. आपका कमिंग बैक ऑन रेरा, रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, ये 2016 के अंदर हुआ. 14 अगस्त 2013 के अंदर ये बिल पब्लिश हुआ था और इसको एक्सेंट और जो साइन हुआ है ये 25 मार्च 2016 में हुआ. ये एक बिल रेफर किया गया टू सेलेक्ट कमेटी और इसके अंदर जुलाई 2015 में उसने अपनी रिपोर्ट दिया और 1 मई 2016 में ये इफेक्टिव हो गया. 59 ऑफ 92 सेक्शंस have come into the force. मैं सिर्फ इस रेरा के बारे में दो तीन बात कहूँगा. बिल्डर द्वारा जो रेरा कानून है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी बिल, इसका राज्यों में गठन, इसकी अथॉरिटी का राज्यों में गठन 30 जून तक मेरी जानकारी के अनुसार हो जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ है. कुछ राज्य सरकारें अभी भी शिथिलता बरत रही हैं और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें दिस वे और दैट वे बिल्डर्स को कुछ लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं. तो यहाँ जो यूडी मिनिस्ट्री के श्री राजीव रंजन जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि कृपया इस तरफ देखें कि जो सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग अभी जिनके अभी सीसी नहीं हुए हैं, जिनके अभी इन प्रोसेस हैं, वो भी रेरा में कवर होने चाहिए और स्टेटों में अथॉरिटी का गठन शीघ्र से शीघ्र किया जाना चाहिए, अन्यथा इस एक्ट का बनाने का महत्व ही कम हो जाएगा. दूसरा, इसमें एफएआर की जो गणना बिल्डर्स करते हैं उसके माध्यम से भी व्यापारी उसका अलोटियों का शोषण हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, वो भी गलत है. तीसरा, पार्किंग व अन्य चीज़ों के नाम से भी पैसे अलोटियों से लिए जा रहे हैं, वो भी गलत है. कृपया इस पर भी विचार करें. ये तीसरा कन्वेंशन हो रहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएस एसोसिएशन का और आपके जो विषय चुने गए हैं वो दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं. एक तो पोल्यूशन और एनवायरनमेंट के ऊपर और एक रेरा पर. गाजियाबाद में मैंने सुना और ये सब आपके बेनिफिट के लिए होगा कि उन्होंने कंपल्सरी कर दिया कि कोई नया नक्शा हाउसिंग का भी पास होगा जब तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन ना हो जाए. ये पूरे एनसीआर में लागू हो जाना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग हाउसेस हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का किस तरह जोड़ा जा सकता है, उसको किस तरह रिकंस्ट्रक्शन करना किया जा सकता है या पाइप जोड़े जा सकते हैं जिससे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो. जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू हुआ था तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया विद इन 4 मंथ्स ये पूरे कंट्री में लागू हो जाएगा, एनफोर्स हो जाएगा. जब जीएसटी लागू हुई तो उन्होंने कहा 1 जुलाई से हम लागू कर देंगे. जितनी खामियां हैं, समस्याएं हैं, वो आएंगी, वो हम सामने देखेंगे उसको. इसी तरह रेरा में आपको एक बाइंडिंग कर देनी चाहिए कि
चार महीने के अंदर, तीन महीने के अंदर रेगुलेटर हर स्टेट में अपॉइंट हो जाएं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट एक बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, बट वी विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एंड एज इंटरेस्टिंग एज इट इज हम्बली पॉसिबल। जब ये एक्ट बन गया तो इस एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, करीब 59 इसके अंदर सेक्शंस हैं, मगर कुछ कुछ खास इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे किसी भी जानने योग्य चीज़ को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, यू मस्ट नो, यू शुड नो एंड यू कुड नो। अब यू मस्ट नो में मैं जो जानना चाहिए हर व्यक्ति को, उसमें दो चार बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि इसमें कहा गया सभी राज्यों को, सभी स्टेट्स को, कि वो अगले एक साल के अंदर, यानी कि ये फोर्स में आया 1 मई 2016 को, कहा गया कि 1 मई 2017 तक सभी स्टेट्स इस एक्ट के रूल बना लें। दूसरा कहा गया इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी को कंस्टिट्यूट कर दें। तीसरे कहा गया कि इसके लिए एपेलेट अथॉरिटी बना दें। और फिर चौथा कहा गया कि इसकी एक वेबसाइट डेवलप कर दें। रेरा 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, पार्लियामेंट ने पास किया। हेरा 2017 जो प्रपोज किया है हरियाणा के अंदर वो है। इसका 2017 मई के अंदर इस एक्ट रेगुलेटरी बॉडी हरियाणा में बननी चाहिए थी, वो नहीं बनी है। अभी भी बायलॉज को अमेंड करते जा रहे हैं। रेरा 2016 ये कहता है कि एडवर्टाइजमेंट से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करना चाहिए, लेकिन हरेरा 2017 में उसमें ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसका कंप्लीशन नहीं मिला, लेकिन इसके अंदर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स का कोई जिक्र नहीं है। रेरा 2016 मिनिमम साइज डिफाइन करता है कि मोर देन 500 स्क्वेयर यार्ड्स, उससे ज़्यादा उसके अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अंदर हरेरा 2017 में कोई मेंशन नहीं है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हरियाणा के अंदर टोटल, वैसे तो काफ़ी 72 क्लोज हैं, लेकिन 32 क्लोज हरियाणा ने अमेंड किए हैं। मैं आज एक डिफरेंट सब्जेक्ट पर आपको बताऊंगा, फाइट फॉर एरा के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहला कि मेरे काल में, मतलब ये पहला एक्ट है जिसमें सिटीजन्स खुद पार्टिसिपेट किए, और मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक्ट ऐसा है जिससे हर एक होम बायर और शायद आदमी रिलेट करता है। इसमें जब सिलेक्ट कमेटी बनी थी तो ये 6 जगह पे विजिट की थी, और ये सचमुच में इस एक्ट में अगर आप सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के पहले एक्ट को देखें और बाद के एक्ट को देखें तो काफ़ी चेंजेस हुआ है, और हम लोग सबके सजेशंस को माना गया है। इसमें एक बहुत बढ़िया क्लॉज है, अगर आपके प्रोजेक्ट को बोला गया है कि 3 महीने में डिलीवरी होगी तो उसका एक्सटेंशन कराने का प्रोविजन तो है, लेकिन वो एक्सटेंशन केवल और केवल 12 महीने का हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं। तो अनलिमिटेड डिले का प्रोविजन इसमें नहीं है, वो बंद कर दिया गया। तो बहुत बढ़िया एक्ट बना है, और अगर सिटीजन्स चाहें तो हम लोग सरकार के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हम लोग अपनी बातों को रखवा सकते हैं, समय निकालें, कॉज के लिए टाइम दें, मिल के काम करें। रेरा की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक बिल्डर को निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी रेगुलेटरी अथॉरिटी को देनी होगी। नंबर 1, पंजीकरण कराना उसको आवश्यक है, उसके लिए उसको एप्लीकेशन देनी होगी, और बिल्डर को जो बिजनेस करता है उसकी पूरी डिटेल, उसने पीछे क्या किया है विद फोटोग्राफ्स, वो सबमिट करना होगा। पिछले 5 वर्ष के अंदर जो उसने प्रोजेक्ट्स किए हैं उनकी डिटेल, प्लस जो प्रेजेंट में वो प्रोजेक्ट्स कर रहा है उनकी डिटेल, उनकी कोई कोर्ट के अंदर कोई कोर्ट केस उनका पेंडिंग नहीं है, या उनका जो लैंड का जो ऑनरशिप है वो कम्प्लीट है, ये सब डिटेल उसको देनी आवश्यक है। कई उपकरण है जिनको हम बोलते हैं ई वेस्ट, ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे से जो है नई तरीके की मुसीबतें आने वाली हैं हमारे सामने। ये तो बिल्कुल हमारे लाइफ का एकदम इनसेपरेबल पार्ट है, इसको हम नहीं अलग कर सकते, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते, द ओनली वे पॉसिबल इज हाउ रिस्पॉन्सिबली वी कैन डील विद इट, किस तरह से हम इसका डिस्पोजल करें कि उससे जो है मिनिमाइज हो जाए, जो भी हैजार्डस वेस्ट है हमारा वो कम से कम मिनिमाइज हो जाए, और हमें इस तरह की असुविधाएं कम से कम झेलनी पड़े या पॉल्यूशन कम से कम झेलना पड़े। आपने देखा होगा, सुना होगा कि दिल्ली इज कॉल्ड द ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, am I right? At the same time, Delhi is also the most polluted capital of the world. One of the greenest,
एज वेल एज द मोस्ट पॉल्यूटेड. अब इसके पीछे कारण कभी ढूंढने की कोशिश की नहीं कि वो मेरा प्रश्न है. इसके पीछे मुख्य कारण ये निकल के आ रहा है कि हर चीज का एक ऑप्टिमम साइज होता है. आप उस ऑप्टिमम साइज से ज्यादा हो जाएंगे तो आपकी समस्याओं का रूप बदल जाएगा. देन इंक्रीज मैनीफोल्ड एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाता है. अब प्रश्न ये उठता है कि शहर के अंदर एयर पोल्यूशन मिटिगेट कैसे होता है? क्या छोटे शहर में जहाँ ऐसे ही कारें चलती हैं, ऐसे ही सब कुछ होता है, क्या उसमें पोल्यूशन इतना रहता है नहीं रहता, और ये बड़े शहर में क्यों रहता है? इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि हवा जब छोटे शहर में होती है, हवा फ्लो करती है क्योंकि नेचर इज ऑल्सो वेरी डेमोक्रेटिक. एक जगह की हवा बहुत जल्दी दूसरी जगह की हवा रिप्लेस करती है और बहुत जल्दी ही वो क्या कहेंगे इसको, बराबरी आ जाती है, डेमोक्रेसी की समता आ जाती है. लेकिन जब शहर बहुत बड़ा हो जाता है तो वो हवा हिंटरलैंड से एक्सचेंज होने में बहुत टाइम लग जाता है. सर्दियों के दिनों में जब हवा कंसेंट्रेट, जब हवा बहुत कंसेंट्रेट हो जाती है, ठंड हो जाती है, तो वो हवा डिस्पर्स होने में बहुत टाइम लगता है. इन द मीन टाइम मोर पोल्यूशन जनरेटेड एंड इट कैन स्टार्ट गेटिंग कंसेंट्रेटेड और आपके फेफड़े जवाब देना शुरू कर देते हैं. और दिल्ली में अब सर्दियां तो ये समझिए कि रहना ही नहीं चाहिए. गर्मियों में तो गर्म हवा जल्दी हवा एक्सचेंज होती है तो आपको अभी महसूस नहीं होता, पर सर्दियों में इट्स ए ट्रूली अ गैस चैम्बर. So by widening the roads for which we are going to cut the trees, we are only increasing the pollution levels in that area. And the only instrument that is naturally there for curbing the pollution is not you, is not me, is not the social workers, nor the politicians. The only thing that does that is a tree. And that has to become a casualty because we haven't bothered to look for solutions. So while you were on the road, I see Madhumita, please raise your hands. Shifali, she's an RW secretary, her friend. Ranju Minhas, so many of my friends are here who stood there for the trees. So there are people who are walking by and pedestrians, and one of them said, why don't you give government some time? You know, what he means is we'll cut the trees and everything will be okay. I said, why aren't you giving a 60-year-old a tree time? Why are you talking about giving government time? The first thing they are resorting to is chopping trees. And there's another issue that has kept cropping in is there's no land. There's no land to throw your waste and there's no land to plant trees. So we are talking about removing trees which are 20, 30, 40, 60-year-old. There is no land to plant. So I really don't think that anytime we resort to any so-called development, which I don't think we can use the word development here, urbanization, we can't make trees casualty. सम्मान पत्र दोनों होंगे वो आप लोगों को वितरित करेंगे. इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अभी अगले कार्यक्रम में भी जरूर उपस्थित रहे और उसके बाद सिर्फ पीके अग्रवाल धन्यवाद. Mr. Rathi, Chairman of the Gurgaon Council, to welcome Mr. Gehlot. Mr. Chetan Sharma, Secretary General of CONRWA, to welcome.